लक हो, गुरु भावना हो, वो खुद भी नाचता है दूसरों को भी नचाता है। शिवा भैया वही काम कर रहे हैं। हम मैंने जैसे आपको भी बताया कि जीवन में जिस दिन से गुरुजी से मिला हूं और जिस दिन से मंत्र तंत्र यंत्र ज्ञान की पत्रिका हो या गुरुजी का कोई भी किताब में पढ़ा है, मैंने उसमें साधना की महक, साधना की ललक देखी है। और मैंने भी पाया कि गुरुजी का जो कथन था, चाहे भगवान भी हो, ऋषि को पुत्र होकर जन्म लेने में एक श्रेष्ठता अनुभव करते हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने में आनंद अनुभव करते हैं। क्यों? कि स्वर्ग में सुख है, आनंद नहीं। देवताओं के पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन लेने वाला चाहिए। जब लेने वालों की कमी पड़ जाती है, जब इस पृथ्वी पर दुष्टता आ जाती है, तो वे स्वयं जन्म लेकर देने के लिए आते हैं, उन्हें बाध्य होना पड़ता है। यह पृथ्वी पर जब केवल सुख के लिए सब कुछ करते हैं, तब आनंद बांटने के लिए देवताएं आते हैं, और उनका आनंद बांटने के लिए उन सुखी लोगों, उन पापी लोगों का सारा दुख अपने ऊपर लेकर उनको आनंद बांट कर जाते हैं। ये देवता की प्रक्रिया होती है। ऐसे ही एक देवता स्वामी निखिलेश्वरानंद जी का इस संसार में, इस पृथ्वी पर आगमन हुआ, और उनका चिंतन था इस संसार में कि मैं संतों को, महात्मा को बनाऊंगा नहीं, मैं संत और महात्माओं की बनाने की प्रक्रिया सिखाऊंगा, मैं राम बनने की प्रक्रिया सिखाऊंगा, रामों को भज ऐसा मैं नहीं कहूंगा, राम की कृष्ण की पूजा कर नहीं करूंगा, मैं राम और कृष्ण को बनाऊंगा। साधना मार्ग से ये साध्य है, राम और कृष्ण बनेंगे। और उनके इस चिंतन को लेकर मैं आज भी चल रहा हूं। राम कृष्ण ये भी अपने माता के गर्भ से जन्म ही उन्होंने लिया था। जब कृष्ण पैदा हुए थे तो कोई उनको भगवान नहीं कहा, चोर कर गोपिकाएं भी उसको आकर उसके ऊपर शिकायत करती थी, माता भी लकड़ी लेकर मारती थी, कृष्ण को तब भगवान नहीं कहा। जब सांदीपनी महामुनि ने अपने पास लिया और उन्होंने गुरु दक्षिणा समर्पित की, और जब उस भावना से आए, तो वे आज गुरुतुल्य विश्व के जगतगुरु, कृष्ण वंदे जगतगुरु कहलाए। राम ने जब तक रावण को नहीं मारा, वशिष्ठ से विद्या नहीं सीखी, तब तक राम को भी किसी ने नहीं कहा। कितना टॉर्चर दिया, चाहे कैकेयी हो, चाहे और कोई हो, उनके राज्य से उनको वनवास भोगना पड़ा। ये सारे उस पापी पृथ्वी पर उनका पाप को अपने ऊपर झेल कर चलने वाले ही देवता कहलाते हैं। और ये सक्षम व्यक्ति ही होते हैं जो इन पहाड़ों को झेलने की शक्ति रखते हैं। और ऐसा सक्षम बनने के लिए मनुष्य में साधना का बल चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, और आगे चलने की प्रक्रिया चाहिए। हम सब केवल सुख के भागी हैं, केवल सुख मांग रहे हैं, आनंद नहीं। गुरु जी कहते थे कि एसी लगी हुई है, सोने का पलंग है, फिर भी नींद नहीं आती, क्या कारण है? टैबलेट लेके सोना पड़ता है। और एक अच्छा साधक आप देखते हैं पेड़ के नीचे सोए हुए, आनंद के साथ खर्राटे लगाते हुए। मैं देखा रही यहाँ शाम भी कुछ आएगा, तुम यहाँ सोए हुए हो, गुरुजी यहाँ नींद बहुत अच्छी आ रही है, एसी रूम में नींद नहीं लगती। ये आनंद है और वो सुख है। मैंने कल देखा यहाँ बहुत सारे साधकों को कहीं घास पर पड़े हुए हैं, कहीं कोई पेड़ के नीचे सोया हुआ है। मैं जाकर उनको उठाया भी, कहा भी, अरे वो भी पेड़ के नीचे क्यों, जगह नहीं है क्या हाल में? तो उन्होंने कहा, गुरुजी पेड़ के नीचे सोने में बहुत आनंद लग रहा है। मैंने कहा, सुख की बात, तुम्हारे घर में तो गुरुजी बहुत बड़े पलंग है, ऐसी नींद नहीं आती, यहाँ आते ही नींद लग जाती, बहुत नींद आने लगती है, क्या है? अब देखो राजमौली जी को नींद आ रही है, उन्हें ऊंग रहे हैं। क्योंकि वे आनंद के भागी हैं, सुख के भागी हैं। तो इस संसार में हम बहुत सारे लोगों को सुख की कामना करते हुए देखते हैं, आनंद की कामना करते हुए नहीं। और आनंद एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए देवता पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और मैं उसी आनंद की बात करते हुए कह रहा हूं जिस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के जिस साधनाओं की परंपरा को लेकर चल रहा हूं, उस परंपरा में आज आपको दक्षिण मुंडमाला प्रयोग दक्षिणकाली का जो दे रहा हूं, वो सिद्धाश्रम के महाविद्या का पहला पड़ाव है। और जो मुंडमाला प्रयोग कर रहे हैं वो केवल काली को आकाश से आते हुए यहाँ मंदिर में स्थापित होते हुए देखेंगे जरूर। ये मेरी इच्छा है कि वे देखे भी और कहे कि हमने साधना ऐसी साधना देखी है जो काली आकाश से आते हुए, जिसने दक्षिण मुंडकाली प्रयोग किया है, वो लोगों को जरूर वो दृष्टि प्रदान होगी और वो देखेंगे कि 1 नवंबर के दिन यहाँ काली माता का स्थापना जरूर होगी। आज आपको वचन दे रहा हूं। मैं दक्षिण काली मुंडमाला प्रयोग में एक यंत्र रखा हुआ है और 100 चिरमी के दाने हैं जो मुंड कहलाते हैं, और उसके साथ काली हकीक माला है। यह यंत्र सामग्री है आपके सामने। इसमें मुंड काली गायत्री के साथ उस यंत्र पर यंत्र को सिंदूर लगाकर, लाल फूल चढ़ाकर,
महाकाली की गायत्री कहते हुए उन मुंडों को 108 मुंडों को उसके ऊपर चढ़ाना है यंत्र के ऊपर, और काली हकीक माला से 20,000 जप मात्र करने से यह किसी भी अमावस्या, किसी भी अष्टमी के दिन, दुर्गाष्टमी हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, या फिर नवरात्रि में 20,000 जप करने मात्र से यह यंत्र सिद्ध हो जाता है, और उन मुंडों को जो आप काली यंत्र पे चढ़ा, महाकाली यंत्र पे चढ़ाते हैं, उनको यंत्र के साथ ही लाल कपड़े में बांधकर उस काली हकीक माला को आपके गले में पहनकर आप उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त कर सकेंगे जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। और जिस बात को मैं कहा था कि 1 नवंबर के दिन जिन्होंने ये प्रयोग किया है काली हकीक माला पहन के आए जरूर साधना संपन्न करने के बाद। शर्त यह है कि अमावस्या या कोई अष्टमी या नवरात्रि, नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों में सिर्फ एक ही दिन में 20,000 जप करना है जो 200 मालाएं कहलाता है। और मंत्र आपके सामने है, ध्यान मंत्र और विनियोग अभी उदय महाराज आपको पढ़ के बताएंगे, उसके बाद मैं आगे का कार्यक्रम समझाऊंगा आपको। मुंडकाली दक्षिण दक्षिण का मुंडकाली प्रयोग जिन्होंने लिया है वे एक बार खड़े होकर अपने हाथ में यंत्र वगैरह ले लें, वे प्राण प्रतिष्ठा के साथ आपको विधान बताएंगे, साधना और मंत्र बताएंगे। आपके हाथ में जो कागज है उस कागज को नीचे रख दीजिए, यंत्र और माला को हाथ में पकड़ लीजिए। दाहिना हाथ उसके ऊपर ढक दीजिए। लेफ्ट हैंड में यंत्र और माला ले लें, उस पर राइट हैंड आपका ढक दे। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से ब्रह्म विष्णु रुद्राक्षा गायत्री विष्णु गणोष्ठुभ्यंगमसि प्राण परा प्राण शक्ति आम बीजम ह्रीम शक्ति क्रोम किलकम प्राण प्रतिष्ठापने नियोगः। ओम आम ह्रीम क्रोम अम यम रम लम ओम शम सम हम लम शम आह क्रोम ह्रीमाम अस्य यंत्रमालयोः प्राणयः प्राणाः। ओम आम ह्रीम क्रोम अम यम रम लम ओम शम सम हम लम शम आह क्रोम ह्रीमाम अस्य यंत्रमालयोः जीवैः स्थिताः। ओम आम ह्रीम क्रोम अम यम रम लम ओम शम सम हम लम शम आह क्रोम ह्रीम आम अस्य यंत्रमालयोः सर्वेन्द्रियाणि वाङ् मनस्पक् चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण पाणि पाद उपस्थानीय एवागत्यम सुखम चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। 15 बार प्रणव का उच्चार करें, ओमकार का मंत्र जप करें 15 बार। ओम अस्य विनियोगः भैरव ऋषिः उष्णिच्छन्दः महाकाली देवता क्लीं बीजं हूं शक्ति कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थे बोलिए। जपे विनियोगः ध्यानम् मेघांगीं विगतांबरां शिवारूढां त्रिनेत्रां परां कर्णालंबितपालयुग्मशुभदां मुण्डस्त्रजामालिनीं वायेदोर्ध्वकराम्बुजे निशिशर खड्गञ्च सव्येतरे दानाभीति विमुक्तकेश निजया वंदे महासुंदरीं ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। मुंडकाली गायत्री मंत्र है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इसी मंत्र से आपको 108 जो चिरमी के दाने हैं उस पर यंत्र पर चढ़ाना है। कालिकायै च विद्महे श्मशानवासिन्यै च धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। अभी जिस मंत्र को मैं बोल रहा हूँ उस मंत्र को सभी लोग उच्चरित करें। इसी मंत्र का 20,000 मंत्र जप करना है आपको। ओम ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम। फिर एक बार कहता हूँ, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम। एक बार और, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रूम ह्रूम क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम। इस मंत्र का 20,000 मंत्र जप करना है नवरात्रि में या कृष्णाष्टमी को या अमावस्या के दिन। मैं मुंदु ఏదైతే దక్షిణకాళి ముండమాల ప్రయోగం అని చెప్పబడి యంత్రం ఇవ్వబడి ఉందో
దాంట్లో గురుగింజలు ఇవ్వబడ్డాయి, అవి ముండమాలలుగా చెప్పబడ్డాయి. వాటిని యంత్రం పైన కాళి గాయత్రి మహాకాళి గాయత్రితో 108 సార్లు ఆ మంత్రాన్ని చెప్తూ ఒక్కొక్క గింజ ఆ కాళీ యంత్రం పైన ఎక్కించిన తర్వాత కాళీ హకీక్ మాలాతో మంత్ర జపాన్ని చేయగలను. మంత్ర జపం తెలుగు లోపల శేషు గారు చెప్తారు. క్లీం బీజం హుం శక్తి కృపా ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగ. ఇది అన్న తర్వాత నీళ్లు వదలవలను. తర్వాత ధ్యానం, ఆ దేవత నమస్కారం చేస్తూ మేఘాంగీ విగతాంబరాం శివ శివారూఢాం త్రినేత్రాం పరాం కర్ణాలంబిత బాలయుగ్మ శుభదాం ముండస్త్రజామాలినీం వాయోధోర్ధ్వకరాంబుజే నరశిరః ఖడ్గంచ చత్వేతరే దానాభితి విముక్త కేశ నిచయాం వందే మహాసుందరీం. ఇది ఆ అమ్మవారి యొక్క ధ్యానము. తర్వాత ముండకాలి గాయత్రి చెప్తున్నాను. ఇంతకుముందు ఉదయమారాజ్ అనిపించినాడు, ఒకసారి వినండి. కాళికాయై చ విద్మహే శ్మశాన వాసిన్యై చ ధీమహి తన్నో ఘోరి ప్రచోదయాత్. ఇది ముండకాళిక యొక్క గాయత్రి. ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు స్మరిస్తూ మీకు ఇచ్చినటువంటి ప్యాకెట్లో 20 గురుగింజ విత్తలున్నాయి. ఒక్కొక్కసారి చెప్పుకుంటూ ఒక్కొక్క విత్తును ఆ యంత్రం పైన పెట్టవలను. ఆ దాని తర్వాత ప్రధాన మంత్రం ఉంది. ఓం హ్రీం హ్రీం హ్రూం హ్రూం క్రీం 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 హుం హుం హ్రీం హ్రీం. ఈ జపాన్ని 20,000 జపించాలి. తర్వాత భైరవుడు చెప్పినటువంటిది యమాహురాద్యాం ప్రకృతిం వరాంగనాం ప్రమాతురాద్యా సకలాం తురీయాం పరాపరాంబా వరదాం వరేణ్యాం వారేశ్వరీ సాధక సిద్ధిధాత్రీం యమాద్యా ప్రకృతిం ప్రాహుః కాళికాళస్వరూపిణీం తస్యా మంత్రం మహామంత్రం మంత్రసారమిమం ప్రియే యజ్ఞాత్వా సాధకాః సర్వే సిద్ధిం ప్రాపుర్మహర్షయః శివరూపా శివారూఢా వరదా భయనాశినీ సర్వకామప్రదా దేవి సర్వవిస్మయకారిణీ అని భైరవుడు చెప్పినటువంటిది. ఇది మిగిలింది గురుగారు ఆజ్ఞాపిస్తారు. వజ్ర రూపీ ఏక్ అంగుఠి కా ఏక్ గుటి కా రఖీ హుయి హై జిస్నే ముండమాలా ప్రయోగ్ కియా హై ఇస్కి అంగుఠి చాందీ మే యా తాంబే మే బనాకర్ సోనే మే నహీ అప్నే బీచ్ కి ఉంగ్లీ మే డాల్ లే యహ గుటికా హై ఇసే భైరవ మంత్ర బోల్నే కే బాద్ ఇస్కో ధారణ కరే కిసి భీ రవివార్ కే దిన్ ముండమాలా ప్రయోగ్ హోనే కే బాద్ దక్షిణ కాలి ముండమాలా ప్రయోగం అయిన తర్వాత కింద ఇచ్చిన భైరవ మంత్రాన్ని పఠిస్తూ ఈ యంత్రాన్ని సిద్ధి ఈ గుటికను సిద్ధి చేసి ఉంగరంలో మధ్య ఉంగరం మధ్యవేళి ఉంగరంలో రాగిలో కానీ వెండిలో కానీ వేసుకున్న ఈ ముండమాల కాళి ప్రయోగ సిద్ధి జరుగుతుంది. మంత్ర జపం 20,000 అయిన తర్వాత దాంట్లో ఈ విధమైన గుటిక పెట్టింది ఉంది, అందరు గ్రహించవలెను. ఉసుమే గుటికా రఖీ హుయి హై జో వజ్ర కే సమాన్ హై ఉస్ గుటికా కో అప్నే అంగుఠి తామ్ర మే యా చాందీ మే బనాకర్ అప్నే బీచ్ కి ఉంగలి మే డాల్ లే యహ దక్షిణ కాళి ముండమాల ప్రయోగ్ హువా జో హమ్ ఇస్ గురు పూర్ణిమా కే దిన్ ఉత్తమ పర్వ పర్ ఆప్కో మే హమ్ దశ ఏక్ సిద్ధాశ్రమ యా గురు వచనం కో సిద్ధ కర్నే కే లియే ఆగే బడ్నే కే లియే ఇస్ సాధనా కో ఆప్కే సామ్నే ప్రస్తుత్ కియా హూ యా సామ్నే కియా హూ యే పరపుంజ పరమపుణ్య సద్గురుదేవ్ జీ కీ కృపా హై జిస్ సాధనా కో మే आपको बताता हूँ कि काली मंदिर में मैंने 1989 में एक ऐसी काली मंदिर में जहाँ कोई नहीं रहते थे, जहाँ एक महंत रहते थे, उस काली मंदिर में इसको मैंने इस साधना को किया था और मैंने उसका चमत्कार भी देखा है. मैं भी आपको कह रहा हूँ कि यह कामाख्या पीठ में या दक्षिण काली कलकत्ता के काली के पास या कोई काली मंदिर या शिव मंदिर या अपने गुरुगृह में इस साधना को करने से आप निश्चित ही सफलता पाते हैं, ऐसी मेरी आशा है. और आगे के कार्यक्रम में दत्तू भैया बार बार मेरे कान में फूंक रहे हैं कि सुबह से सब लोग भूखे बैठे हुए हैं, कब ब्रेक दे रहा है ये लोग खाना खाने के लिए. शिवा भैया भजन करके घर से आते समय जिस साधु महापुंगों ने दर्शन दिया था, उन्होंने मनोकामना पूर्ति के लिए जो हमें विशेष रुद्राक्ष के वृक्ष के पास ले जाकर रुद्राक्ष दिए हैं, उन रुद्राक्षों को मैं आपको प्रसाद के रूप में देना चाहता हूं, लेकिन शर्त एक रखता हूं. शर्त यह है कि आप सब लोग खाना खाने के बाद गुरु मंत्र की एक माला मंत्र जप करें और साथ में उसको लेते समय, उस रुद्राक्ष को लेते समय
పరమ పూజనీయ గురుదేవ్ కి దక్షిణకాళి ముండమాల ప్రయోగ దక్షిణకాళి కి మందిర్ కి స్థాపన కి లియే ఆప్ క్యా కహ రహే హై ఆప్నే మన్ కే ఆప్కే మన్ మే సంకల్ప కర్ లే బస్ ఏక్ రూపయా భీ దేనా హై తో సంకల్ప కర్ లే 100 రూపయా భీ దేనా హై తో సంకల్ప కర్ లే మానస సరోవర్ కి ఉస్ రుద్రాక్ష కో ఆప్కో సభీ కో ప్రసాద రూప్ మే దే దూంగా ఆగే బాత్ రహీ కి హమ్ आपको अभी भोजन के लिए उठा रहा हूं और कल की तरह नहीं आज करेक्ट एक घंटे के अंदर मैं यहां आके आपके सामने बैठूंगा क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का दिन है आपको पूर्णत्व प्रदान करके ही आगे बढ़ूंगा और गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो लोग एक बार सामने आ जाए बाकी के सब लोग पीछे चल जाए गुरु दीक्षा देने के बाद भोजन को सभी भेज दूंगा और जो गुरु दीक्षा नहीं ले रहे हैं वो लोग भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं एक घंटे के बाद यहाँ आ जाए रुद्राक्ष को आखिर में दिया जाएगा मानसरोवर और कैलाश से लाए हुए रुद्राक्ष को आखिर में दिया जाएगा मैं जैसा कहता हूँ वैसा करें आपको मौली हाथ में दी जाएगी कटक वाले मौली चेत की इच्छे से वाले कटकुंटर तुंदर तुंदर कानी आप हाथ जोड़ ले मैं जैसा कहता हूँ वैसा कहें नेने ला अंटुन्नानो अलानंडी गुरु दीक्ष इस्तुन्नानो चपंडी गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः చెప్పండి స్వామి శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు ప్రియం శ్రీ నిఖిలేశ్వరానంద స్వామి మమ సద్గురు చెప్పండి మీ ఎడమ చేయి హృదయం మీద పెట్టుకోండి కుడి చేయి తల మీద పెట్టుకోండి ఆప్కా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ హృదయ పర్ రైట్ హ్యాండ్ సర్ పర్ నట్లో నేను మంత్రం చెప్తున్నాను ఆప్కు మంత్ర బోల్ ఓం परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः ओम परमतत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः आप इस मंत्र का अभी बैठे बैठे 21 बार बोल लेकर गुरुजी को नमस्कार करके यहाँ से उठें और उसके बाद भोजन को जाएं बाकी के मंत्र मैं अगली बार दूंगा पहले गुरु मंत्र जप करें और परम पूजन परमहंस पात्र स्मरणीय दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद सदगुरुदेव जिस उद्देश्य के साथ सिद्धाश्रम की स्थापना कर बार बार इस पृथ्वी तल पर सांसारिक बनाकर योगियों को भेजते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं ऐसा गुरुजी का कथन था और ये संतुलन धार्मिक होता है धर्म की पुनर्स्थापना के लिए ये योगी बार बार आते हैं लेकिन योगी बनने से पहले वे इसी पृथ्वी तल से सिद्धाश्रम को पहुंचते हैं ऐसे विरले ही लोग होते हैं जो यहां से सिद्धाश्रम पहुंचने की ताकत रखते हैं मां के गर्भ से जन्म लेना महान कार्य नहीं है या विद्या सीखना या कोई उपाधि प्राप्त करना यह महान कार्य नहीं है आने वाले पीढ़ी को इस संसार में जो बुराइयां हैं उसको निकाल कर एक मार्ग पर लगाना और जो धोता जो देवताओं ने इस पृथ्वी के लिए किया है जो प्रकृति इस प्रकृति को दिया है और वो हमें सहायता कर रही है उसकी याद उसकी श्रेष्ठता इस संसार को बताने का कार्य योगी करते हैं और तादात्म्य करते हैं इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का एक विधान करते हैं और जब तक ये आत्मा परमात्मा से नहीं मिलती ये छटपटाती हुई इस संसार में घूमती रहती है चाहे उसको 84 लाख योनि लेनी पड़े और किसी भी तरह का जन्म लेना पड़े हमें लोग कष्ट आने पर पूर्व जन्म की बात कहते हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गुरुजी मैंने इस जन्म में कोई गलती नहीं किसी का मन भी नहीं दुखाया लेकिन मैं बहुत कष्ट अनुभव कर रहा हूं इसके पीछे क्या राज है कोई पूर्व जन्म का दोष है इस तरह पूछते हैं ये ऐसा नहीं होता ये वह कार्य है कि प्रकृति तुम्हें देखती है कि क्या तू कष्ट सहने के लायक है तुझे देवता बनाया जाता है या नहीं है इसकी पहली परीक्षा प्रकृति करती है और दूसरी परीक्षा करता है गुरु और जो इस दो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है वही सिद्धाश्रम का भागी बनता है और सिद्धाश्रम का भागी बनने वाला इस संसार में वह श्रेष्ठ योगी होता है जो देवताओं को आकाश से नीचे उतारने की शक्ति रखता है और देवताएं जब आकाश से नीचे उतर करते हैं तो इस संसार की प्रकृति एक प्रकार का अपना नृत्य बताती है और आनंद इस प्रकृति में प्राप्त होता है इस प्रक्रिया को जो एक माता से गर्भ हुआ गर्भ से जन्मा हुआ कोई भी प्राणी सिद्धाश्रम तक पहुंचे
इसकी एक विशेषता है। अगर आप कहें तो श्रेष्ठ मुहूर्त में पैदा होने वाले या श्रेष्ठ संकल्प रखकर बच्चे को पैदा करने वाले, इनमें भिन्नता है। चाहे पशु भी हो या चाहे मानव भी हो और कोई भी हो, हम देखते हैं कि अगर उसका मुहूर्त ठीक है, उसका जन्म लेने वाला मुहूर्त ठीक है, तो वो राज अनुभव करता है और राजघराने में पैदा होने वाला भी गरीबी अनुभव करता है। तो क्या मुहूर्त में भी श्रेष्ठता है या कर्म में श्रेष्ठता है? तो हम कहेंगे कि जिसे मुहूर्त है वह अपने आप बनने वाला, अपने आप अपने कर्म को बताकर उस चरणों तक पहुंचने वाला है, और कर्म करने वाला अपने गुरु उसको पहचान कर निकालता है और कर्म उसको देते हुए, धर्म का मार्ग बताते हुए, साधना के मार्ग से उसे सिद्धाश्रम पहुंचाता है। ये दो लोग भी उतने ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन इतना होने पर भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गुरु जी जन्म कुंडली देखो, हमारे जन्म कुंडली में क्या लिखा है। और लोग भी बताते हैं कि जन्म कुंडली में तेरे ये लिखा है, ये लिखा है, अगर तू ये 5 मिनट पहले पैदा होता तो महाराजा बनता और 5 मिनट बाद में पैदा होता तो ये तेरे को एक कष्ट आए हैं। तो ये 5 मिनट हमें कभी ठीक तरीके से आज तक भी नहीं मिले कि कोई दावे के साथ ये कह दे कि मैं इस मिनट में पहुंच जन्मा हूं और वो कह दे कि तू जरूर राजा होगा या तू एक गरीब होगा या तेरे जीवन में ये कष्ट आएंगे। क्या यह ज्ञान है? यह ज्ञान है उस सिद्धाश्रम वासियों के पास। वे जानते हैं, वे चुनते हैं कि किस शिष्य को कहां से कहां तक पहुंचाना है और वह कहां से कहां तक साधना करने वाला है। इस प्रक्रिया में हमें एक कार्य करना पड़ता है। गुरु जी कभी भी कहा करते थे, तुम जब तक अपने आप को कमरे में बंद रखो और कहो कि अपने कर्म को कोसते रहो तो तुम्हें उजाला कभी नहीं दिखेगा। तुम्हें कर्म अपने कमरे से बाहर आना है। सूरज है वह किसी को किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं देता, पापी भी हो पुण्यवान भी हो उसे उजाला समान रूप से देता है। वैसा ही एक शिष्य अपने घर से बाहर आए और वो अपने गुरु चरणों में आ जाए, गुरु वो पापी भी हो पुण्यवान भी हो उसकी रक्षा करता है और वही गुरु कहलाता है। जो गुरु शिष्य को नहीं पहचानता, चरणों में आने के बाद भी उसकी रक्षा नहीं करता, वो गुरु ही नहीं कहलाता, उसके पाप गिनने वाला गुरु होता ही नहीं। चाहे पापी हो या पुण्य हो, एक बार किसी शिष्य ने उसके चरणों में, गुरु के चरणों में अपना सर रख दिया, ये गुरु का भार बनना चाहिए कि वो गुरु का, वो शिष्य का उद्धार करना चाहिए। लेकिन उस वो शिष्य भी जो एक बार गुरु चरणों में शीश रख दिया, वो विचार करना चाहिए कि ये शीश फिर इस चरणों से हटना नहीं चाहिए। उसका भार केवल इतना ही है, लेकिन गुरु का भार उसके कितने जन्मों तक भी उस आत्मा को लेकर परमात्मा को पहुंचने का भार गुरु का होता है। लेकिन जो चरणों में सिर रखने वाला शिष्य है, वो अपना विचार करे सिर रखने से पहले ही कि ये क्या, ये चरण मेरे लिए है। एक बार निर्णय ले लो कि ये चरण मेरे लिए है और उसमें समर्पित हो जाओ तो ये बाकी का बार आपको कुछ करना नहीं है, वो सब संभाल कर गुरु ले जाएगा, तुम्हें जहां पहुंचाना है वो जरूर पहुंचाएगा और वही गुरु है। पाप पुण्य का लेखा न गंगा नदी करती है, न सूरज करता है, न चंद्रमा करता है। केवल आपको होता है कि आपके कमरे से बाहर आना, वो उजाला जरूर सभी को उतना ही देंगे, पापी के लिए नहीं देते और पुण्यवान को देंगे ऐसा कभी नहीं करते। और गुरु भी उस सूर्य चंद्रमा से बढ़कर है, वो जरूर पापी और पुण्य का उद्धार करने के लिए इस संसार में आता है और यही सिद्धाश्रम का नियम है। आप शिष्य अपने आप को बंद मत रखो, अपने आप को खुले आम अपने गुरु के सामने आ जाओ। पूर्ण जिस प्रेम के साथ आप गुरु के सामने समर्पित हो जाएंगे, पूर्ण खुले रूप से आएंगे, आपको बंद ना पाते हुए आएंगे, आपको हृदय द्वार खोल के रखेंगे, तो गुरु पहले आपके हृदय में प्रवेश करेगा और उसके बाद में आपको प्रक्रिया करवाएगा कि आप उसके हृदय में किस तरह पहुंच जाए। वो आत्मा है और ये परमात्मा है। आपके हृदय को अगर आप बंद रखेंगे और उसमें नाना तरीके से विचार करने का विचार करने की प्रक्रिया करेंगे, तो जब तक आपका हृदय दरवाजा खुला नहीं है, गुरु को अंतर प्रवेश नहीं मिलता, तब तक आप कुछ पा नहीं सकते। आप तो मन बुद्धि चित्त से अपने आप को दूषित करके रखे हुए हो। और जब तक यह कार्य नहीं होता, तब तक कितना बड़ा महान भी आदमी हो, वह उसका उद्धार नहीं होता। एक बार महाविष्णु अपने पास बैठे हुए बहुत ही निमग्न होकर बहुत ध्यान लगाए बैठे हुए थे वैकुंठ में, तो उसने में उनको एक लगा कि एक तुम्बरु नाम का गायक गंधर्व अपनी गान विद्या से गान कर रहा है। वो इतना मग्न होकर गान कर रहा है कि माँ लक्ष्मी आई, सारे देवताएं आए, केवल वो गान
उसके हृदय से सुनने वाले तुम्बरू का ज्ञान केवल भगवान विष्णु ही सुन रहे हैं। माता महालक्ष्मी चरणों के पास बैठी हुई क्या देख रही है कि मैं चरण दबा रही हूँ, विष्णु मेरे तरफ देखते नहीं, देवता आए हुए हैं फिर भी उनको हिलाने पर भी हिलते नहीं। भगवान नारद आए नारायण नारायण करते हुए, महालक्ष्मी ने नारायण से कहा, नारद जी से कहा, हे नारद बहुत देर हो गया, ये किस ध्यान में बैठे हुए हैं, मैं पांव दबा रही हूँ देवता आए हुए हैं फिर भी नहीं। तो नारद जी ने कहा मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका शिष्य हूँ, मैं उठाता हूँ। और उन्होंने जोर जोर से नारायण भजन आरम्भ कर दिया तो विष्णु भगवान खींच कर एकदम उठ गए, बोले कौन गा रहा है। नारद को धक्का लगा, मैं अपने आप को गुरु जी का नारायण भगवान विष्णु का भक्त समझता हूँ, आज वे मेरे पर खींच गए। नारद जी क्या कर रहा है, बोले नहीं प्रभु मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपका गायन गा रहा हूँ। तो तू रुक जा, एक साधक जो गंधर्व गान कर रहा है उसका गान सुन ले और तू बाद में बोल ले। नारद को धक्का लगा कि मेरे से सुंदर गाने वाला और जिसकी विष्णु भगवान प्रशंसा करने के लिए खड़े हैं ऐसा कौन गायक हो सकता है। तो तुम्बरू नाम का गायन वह गंधर्व गायन कर रहा है सुन ले, और नारद जी को उसका गायन सुनाने लगे तो नारद और महालक्ष्मी भी उसमें लीन हो गए। जब भगवान विष्णु ने कहा कि नारद अगर गायक बनना है भक्ति करनी है तो तुम्बरू जैसी कर, नारद जो कितने ही वर्षों से भगवान विष्णु की आराधना करने वाले उनके मन को धक्का लगा कि मैं तुम्बरू जैसा गायन नहीं कर सकता हूँ। ये बात मैंने विष्णु के मुख से सुनी, मेरी तपस्या का धिक्कार है, मेरे ये सारी चीजों को धिक्कार है कि मैं ये सारी चीजें नहीं कर सका। और उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना है, उन्होंने भगवान विष्णु से ही पूछा कि प्रभु ये बताओ कि मैं तुम्बरू से भी श्रेष्ठ गायक बनूं इसके लिए क्या करना है। तो बोले तुम्बरू के गुरु के पास जाओ। नारद को लगा ये तुम्बरू का गुरु कौन है, कहाँ रहता है। तो तुम्बरू का गुरु रहता है कैलाश पर्वत में। तो बोले कैलाश पर्वत में रहता है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ किस तरह है। तो बोले वो एक उल्लू है, उल्लू जानते हैं आप, जिसे तेलुगु में गुडलुगुबा कहते हैं, उलूक कहते हैं, और उसे उल्का मुख नाम का एक श्रेष्ठ जो तुम्बरू का गुरु था उनके पास से उन्होंने गायन विद्या सीखी थी। तो नारद को धक्का लगा कि मुझे जाके उलूक के पास से सीखना है। तो लेकिन फिर भी भगवान विष्णु के कहने पर तुम्बरू के पैसे से उस कैलाश पर्वत के पास गए और उस उल्का मुख को देख कर उन्होंने कहा कि हे श्रेष्ठादि श्रेष्ठ देव, आप जो कोई भी है तुम्बरू को इतने सुंदर गायन की विद्या आपने प्रदान की और भगवान विष्णु जिसमें निमग्न हो गए, मैं जैसा नारद इतने दिन से भक्ति करने वाला मैं उनको प्रसन्न न कर सका और तुम्बरू कहीं गंधर्व गायन कर रहा है और नारायण उसके ध्यान में निमग्न है, इतनी श्रेष्ठता प्राप्त करने वाला वो तुम्बरू के गुरु आप ही है, मुझे भी वो गायन सिखाओ। तो उल्का मुख वाले उस योगी ने कहा कि अगर भगवान विष्णु ने कहा है तो ही मैं आपको उस विद्या को सिखाऊंगा, उस गायन विद्या को सिखाऊंगा। नारद को धक्का लगा कि ये उल्का मुख बोलेगा कि आप स्वयं गायक हैं, मैं क्या सिखाऊं, ऐसा बोलता है समझेगा। लेकिन उसने वैसा नहीं कहा। तो नारद को लगा कि मैं कुछ कमी मेरे में रखता हूँ, गायन की कमी है, इसलिए उल्का मुख कह रहा है कि मैं अभी तुम्हें सिखाता हूँ। तो नारद को ये लगा कि मैं अभी भी सीखने में बहुत कुछ कमी है मेरे पास जो मैं भगवान विष्णु को संतुष्ट नहीं कर सका। और उस उल्का मुख ने जब गायन विद्या के लिए नारद को विद्या सिखाने की बात कही तो नारद विद्या सीखने के लिए अड़चन के साथ सीखने लगे। उनको लगा कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ लेकिन फिर भी मैं इसके पास विद्या सीख रहा हूँ। वो कितने दिन भी विद्या करते रहे लेकिन विद्या प्राप्त नहीं हुई। तो तब तुम्बरू गंधर्व से पूछा गया कि आज तक मैं ये विद्या तू इतने दिन इतने जल्दी से सीख गया और मैं क्यों नहीं सीख गया। तो नारद को उन्होंने कहा आज तक भी आपका अहम नहीं गया इसलिए आप उल्का के पास नहीं विद्या सीख रहे हैं। जब तक आप आपके अहम नहीं छोड़ते तब तक आप विद्या नहीं सीख सकेंगे। और उस वह जब मालूम हो गया जब नारद ने उनको प्रणाम करके कहा कि हाँ मेरा अहम आज तक भी नहीं मरा लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आप जब मुझे विद्या देंगे तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं मेरा सारा अहम आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। और उस दिन ने उल्का मुख ने दीक्षा दे दी और नारद तुम्बरू दोनों मिलकर गान करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा आज तुम्बरू से भी बढ़कर गाने वाला कौन है। तो उन्होंने कहा मैं नारद हूँ। तो नारद का गर्व इस प्रकार कम करते हुए उन्होंने कहा कि अहम रखने वाला चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो वो
एक बार उसको झुकना ही पड़ता है। तो पहले मैं आपको ये कहता हूँ कि शिष्य बनने से पहले आपका अहम छोड़ दो, चाहे आप कलेक्टर हो या पैसे वाले हो, धनवान हो या मिनिस्टर हो, तो पहले वो बात कहीं घर पे रख के गुरु के पास आया करो और उनके चरणों में सर झुकाया करो, तब कुछ कुछ प्राप्त कर सकोगे। इस पौराणिक कथा में, ये शिव पुराण में यह भी एक कथा है। और इसके बाद जब नारद भगवान, भगवान नारद ने यह कहा विष्णु भगवान से कि मेरे जीवन में प्रभु एक बात करो कि अब कभी मेरे जीवन में अहम ना आए, और तुम्बरु ने कहा कि मुझे नारद की परिस्थिति कभी नहीं लाना, तो दोनों को मिलकर भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, जब तक आप अहम बिना अहम के साथ गायन करेंगे तब तक आप मेरे पास है, जिस दिन अहम आएगा तब फिर जरूर आपको कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा, आपका गुरु होगा बास। तो इस प्रकार हम अपने अहम को पहले भूलें, अहम को निकाल लें और अपने गुरु के पास आए। हम इस उल्का मुख जिसके बारे में अभी बता रहा था, वो उल्का मुख ही बाद में चलकर भगवान विष्णु के पास जाने के बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि आपने नारद और तुम्बरु की इतना गायन की प्रसिद्धि की, तो मैं भी उस उल्का मुख को देखना चाहती हूँ। तो भगवान विष्णु हंसे और कहने लगे कि क्यों, तुम क्यों उनके पास जाना चाहती हो? तो लक्ष्मी ने कहा, जो आपको मैं प्रसन्न नहीं कर सकी, जो आपको प्रसन्न कर सका वो आखिर है कौन? ऐसे आदमी को देखना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु तुम्हें प्रसन्न कर सकता है, मैं पत्नी रहकर तुम्हें प्रसन्न नहीं कर सकी, तो मैं उसको एक बार देख तो लूं कि वो क्या है। जब माँ लक्ष्मी ने ये बात कही तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम उसके पास जा नहीं सकती। माँ लक्ष्मी को लगा मैं क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि वो कैलाश पर्वत में अपनी जगह गुफा में मदमस्त है, वो बाहर कभी आता नहीं, किसी के बुलाने पर भी आता नहीं। माँ लक्ष्मी को लगा ऐसा है तो मैं ही उसके पास जाऊंगी, तुम उसके पास जाओगी भी तो काम कुछ होने वाला नहीं, भगवान विष्णु ने कहा। तब माँ लक्ष्मी ने कहा तो आप और मेरे में लगी शर्त मैं उसको लेके मेरे पास आऊंगी, ऐसा लक्ष्मी ने कहा। विष्णु भगवान ने कहा लगी शर्त आपकी भी, चलो दोनों का हो जाए, आप उल्का मुख को लेके यहाँ आ जाइए। माँ लक्ष्मी वहां पहुंची जिस गुफा में उल्का मुख था, तो दिखती क्या है कि उसका दरवाजा बंद है। लक्ष्मी ने कहा यहाँ उल्का मुख कहाँ रहता है? तो सभी लोगों ने कहा उल्का मुख कहाँ रहता है, वो तो नहीं रहता, वो अंधेरे में रहता है कभी भी दरवाजा बंद करके, और उसको आप देख नहीं सकती, अंदर जा नहीं सकती, दरवाजा बंद है। लक्ष्मी ने कहा ऐसा कैसा हो सकता है? उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं महालक्ष्मी आई हूँ क्षीर समुद्र से, और उल्का मुख मैं तुझे देखना चाहती हूँ, तूने विष्णु भगवान को प्रसन्न किया है, तेरे में क्या ऐसी शक्ति है तू प्रसन्न कर सकता है, मैं तुझे देखना चाहती हूँ। दरवाजा नहीं खुला, बहुत देर तक खड़ी रही और महालक्ष्मी को गुस्सा आया और बोले तू अंधेरे में ही रह जा, ऐसा श्राप देती हुई चली गई और भगवान विष्णु के पास गई। तो विष्णु का क्या हुआ? भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी ने कहा गई थी मैंने तो उसको श्राप दे दे के आ गई। अरे उसने जो मुझे प्रसन्न करने वाला है तूने उसको श्राप दे दिया, अब मैं कैसा तेरा रह सकता हूँ, मैं उसके पास चला जाऊंगा। माँ लक्ष्मी को बहुत डर लग गया कि ऐसा अगर हो गया तो मेरा क्या होगा। तब भगवान विष्णु ने कहा चल दोनों मिल के जाएंगे। दोनों मिल के फिर उनके पास गए तो बोलना, दरवाजा खटखटाते हुए ये बोलो कि मैं भगवान विष्णु की पत्नी महालक्ष्मी आई हूँ। जैसा ही उसने ये बात कही कि मैं भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी आई हूँ, दरवाजा खुल गया। बोला माँ पहले ही कभी बात बोलती तो मैं दरवाजा खोल देता, तो बोली मैं महालक्ष्मी आई हूँ तो मैं दरवाजा खोलने वाला नहीं। और जैसा ही दरवाजा खुला, माँ तुमने अनावश्यक रूप से मुझे ऐसा श्राप दे दिया कि मैं अंधेरे में रहूं, लेकिन मेरी क्या गलती है, मैं तो भगवान विष्णु के कहने पर नाचने वाला, तुम उनसे शर्त लगाकर आई थी इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, अब इस श्राप का उत्श्राप कैसे हो? तो भगवान विष्णु को ही प्रार्थना करके दोनों ने कहा इसका उत्श्राप का मार्ग बताओ। तो कहा आज तक लक्ष्मी को वाहन नहीं है, आज से वाहन तू होगा, और तब से महालक्ष्मी का वाहन उल्लू हो गया। आज भी महालक्ष्मी के वाहन को उल्लू का वाहन कहलाते हैं, उल्लू ही वाहन है। तो अब अपने सब घरों में बहुत सारे लोगों में, यहाँ से नागपुर के बहुत सारे लोगों में, नागपुर बहुत तेजस्वी बहुत विद्वान लोग हैं, आप उनको पहचान सकते हैं। वो लोग क्या करते हैं, घर में उल्लू दिखा कि परेशान हो जाते हैं, गुरु जी उल्लू दिखा मेरे को बहुत परेशानी है, उल्लू दिखने से घर छोड़ना पड़ता है क्या, ऐसा बोलते हैं। और भी विद्वान ज्यादा लोग हैं, गुरु जी उल्लू दिखने से छोड़ना पड़ता है क्या, गुरु अगर उल्लू घर में घुस गया तो बोले गुरु जी घर को क्या करना है, तोड़ना पड़ता है क्या, इस तरह के विद्वान। अभी उनकी विद्वत्ता को देखकर मुझे आश्चर्य लगा, मैं एक बार परेशानी में ये रहा कि ये लोग उल्लू को, बेचारा वो अपनी जगह ठीक है, उल्लू को देखने के बाद या उल्लू को घर में प्रवेश करने के बाद ये बार बार क्यों कहते हैं घर छोड़े घर तोड़े, ऐसा क्यों करते हैं।
मुझे उसके बारे में फिर विचार करके एक बार बैठ गया कि ये बात क्या है आखिर। तो मुझे पता चला कि उल्लू को उड़ते हुए देखना या उल्लू के घर में प्रवेश करना, क्योंकि वो महालक्ष्मी का वाहन होने के कारण वो घर में आकर उड़ गया तो लक्ष्मी उसके साथ चले गई, यह है उसके पीछे का। उल्लू कोई अपने लिए अशुभ नहीं है या उल्लू का प्रवेश होना अशुभ नहीं है, वो यह है कि वाहन पर बैठी होने वाली लक्ष्मी, उसका वाहन अगर अपने सामने से निकल जा रहा है तो लक्ष्मी अपने सामने से निकल जा रही है, केवल यह बात है। आप विष्णु को अगर बुला लो तो उल्लू अपने साथ आ जाएगा लक्ष्मी के साथ, लेकिन विष्णु को बुलाने की प्रक्रिया हमें आती नहीं, इसलिए हम ये बात से डरते हैं कि उल्लू आ गया तो घर में हम घर छोड़े या घर तोड़े, ये बात कभी नहीं है। वो महालक्ष्मी का वाहन होने के कारण वो अपने घर में प्रवेश करता है या हम अपने सामने से उठता है तो हमारे पास से महालक्ष्मी जाती है, यह प्रक्रिया केवल है। उल्लू महालक्ष्मी का वाहन होने के कारण वो बहुत शुभ है अगर दिखने के बाद, ये आपकी धारणा है। तो विद्वान नागपुर के लोग सब इस धारणा को छोड़ दी। अभी रही बात इसके बाद, जब महालक्ष्मी के बारे में जब उल्लू ने अपना व्रत धारण किया तो उल्लू ने कहा कि महालक्ष्मी के कारण, महालक्ष्मी माँ आपने तो श्राप दे दिया, मैं तो अंधेरे में बैठा हूँ, फिर आप अगर हम कैसा करेंगे दोनों। तो महालक्ष्मी ने कहा, विष्णु भगवान ने कहा, श्राप उसने ने दिया है तो उसी को पूछ ले कैसा करना है। तो महालक्ष्मी ने कहा, अब श्राप दिया है तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। बोले विष्णु किस तरह? लक्ष्मी को सब लोग लालमारी में ही बंद करते हैं, कहाँ बाहर रखते हैं, सभी को उल्लू का वाहन होने के कारण तब से अब बंद रहेगी। बोले तुम जहां भी रहेगी ना, कभी भी तेरे को बंद तालों में ही रखा जाएगा, कोई तेरे को खुला नहीं छोड़ेगा। और लक्ष्मी तब से ताले में बंद रहने लगी। अब उसको खुलने का खुद का दिया हुआ श्राप है और खुद ही वहां अंदर रहने लगी। फिर उल्लू ने कहा, प्रभु ये कितने दिन मुझे ऐसा रहना पड़ेगा, इसका कोई उपाय तो बताओ। तब भगवान विष्णु ने कहा, जब अगला रूप होगा तू ही गरुड़ बनकर आएगा और उस गरुड़ का तू मेरा बनकर वाहन आएगा और इस गरुड़ वाहन पर हम दोनों लोग बैठकर जब घूमेंगे तब इस श्राप से उत्साह होगा और यह कार्य बाद में हुआ। मैं यहाँ देवताओं को भी अहम आता है तो उनको भी झुकना पड़ता है, यही बात बताने के लिए यह मैं कथा कर रहा था। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि हम कितने भी बड़े भी हो, देवताओं को भी अहम आने पर उनको उस अपने रास्ते को छोड़ना पड़ा और अपने मार्ग को भोगना ही पड़ा। इस प्रकार उस उल्का मुख वही बाद में गरुड़ वाहन हुआ और उस गरुड़ पर्वत पर आज हम कैलाश मानसरोवर से थोड़ी दूर और एक 50 किलोमीटर जाते हैं तो वहाँ उल्का मुख नाम का वो पर्वत है और गरुड़ पर्वत है, जहाँ आज भी कहते हैं कि जिस तरह कैलाश पर्वत पर भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान विराजमान है, उसी तरह गरुड़ पर्वत पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास है। और हम अगर आगे हों तो हम उस पर्वत पर भी जाके आएंगे, लेकिन कैलाश से आगे जाने के बाद उस गरुड़ पर्वत से लेकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का दर्शन करने के बाद लोग कहते हैं कि जब वहाँ उस गरुड़ पर्वत पर भगवान विष्णु या किसी साधु संत का दर्शन होता है तो वह सिद्धाश्रम मार्ग को ले जाने वाले साधु संत कहलाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या प्रक्रिया होती है कि हम उन सिद्धों का दर्शन किस तरह करें, गरुड़ पर्वत पर जाने के बाद हमें सिद्धों का दर्शन किस तरह हो, इसके लिए गुरुजी ने एक छोटा सा मंत्र बोलते हुए कहा था कि जिसके पास कैलाश या मानसरोवर में होम किया हुआ रुद्राक्ष या कैलाश से प्राप्त रुद्राक्ष या पशुपतिनाथ से प्राप्त रुद्राक्ष हो और वह सिद्धाश्रम मंत्र की एक माला जब नित्य करते रहें, अगर सिद्धाश्रम जाने से पहले 40 दिन अगर उस मंत्र की माला करें तो उन्हें सिद्धों का दर्शन प्राप्त होता है और वो मार्गदर्शन करते हुए आगे हमें ले जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और हमारे जीवन में अगर हम गुरु कार्य करना चाहते हैं और सिद्धाश्रम के सिद्धों का दर्शन करना चाहते हैं और गुरु के वचनों को निभाना चाहते हैं तो ये सिद्धाश्रम दर्शन, सिद्धाश्रम के सिद्धों की दर्शन साधना भी साधना है। और उस साधना को जो व्यक्ति अपने जीवन में करेगा वो अपने जीवन में उन सिद्धों का दर्शन लेकर मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। वो उसकी चाहे जीवन में किसी भी तरह की कष्ट हो, किसी भी तरह के अड़चने हो, वो मार्गदर्शन करने वाला सिद्धाश्रम के सिद्धों का दर्शन करने वाला कहलाएगा। जो लोग इस साधना में अपनी रुचि रखते हैं वो सिद्धाश्रम साधना का पैकेट ले लें। मैं इस साधना को अभी देने वाला नहीं हूँ, 1 नवंबर को ही उस साधना को दूंगा, लेकिन पैकेट आपको अभी लेकर रखना होगा। ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, जो सिद्धाश्रम जाना चाहते हैं वे लोग केवल, क्योंकि रुद्राक्ष आए हुए हैं कैलाश से और वो फिर खत्म हो जाएंगे, 1 नवंबर तक रहने का कोई आश्वासन मैं नहीं देता, इसलिए पैकेट अभी लेने की बात कर रहा हूँ। मंत्र और साधना तो 1 नवंबर के ही दूंगा, यह आज की गुरु पूर्णिमा की विशेषता रही। बाद में मैंने जैसा आपको इससे पहले बतलाया
कि सिद्धाश्रम से लाए हुए जो रुद्राक्ष हैं, सॉरी कैलाश पर्वत से जो लाए हुए रुद्राक्ष हैं वो सभी को प्रसाद रूप में दूंगा। तो मैं अपने यहाँ लोग कितने हैं मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूँ को पहले फैमिली के बड़े आदमी को एक के रूप से देता हूँ और ज्यादा रह गए तो सभी को देता हूँ। लेकिन ये ऐसा ना करे कि सभी लोग अगर लाइन लगा के ले गए तो इतने रुद्राक्ष तो मैं लाया हूँ या नहीं लाया हूँ मुझे अभी पता नहीं चला। फैमिली को एक के हिसाब से पति पत्नी के रूप, पति पत्नी के अंदर एक रुद्राक्ष लेते हुए आप उस प्रसाद के रूप में आज गुरु पूर्णिमा से, गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे पास से ले सकते हैं और वह रुद्राक्ष आपके जीवन में दुस्वप्न को आना या बच्चों का किसी रोग से पीड़ित होना इन सारी चीजों से दूर करते हुए जिसको भी रुद्राक्ष वो पहना हुआ है उसको कभी किसी प्रकार की अड़चन या दुस्वप्न आना या दुस्साह्य रोग होना या अड़चने आना, संकट आना या किसी प्रकार की उन्मत्तता आना जिससे भूत प्रेत पिशाच कहते हैं, ऐसी कोई चीजें होती नहीं। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें उन्माद आने से ऐसा होता है, लेकिन उस रुद्राक्ष को पहनने के बाद उसको अगर सफेद धागे में उस रुद्राक्ष को पहन लें तो वो इन सारी चीजों से दूर होता है। ऐसा ही मानसिक तनाव को दूर करने वाला विशेष रुद्राक्ष जो हम वहां से साधु से प्राप्त करके लाए थे वो सब आप सभी लोगों में आज प्रसाद रूप में आज आप सभी को बांटूंगा थोड़ी देर के बाद। इससे पहले मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ जो इतने सारे कार्यक्रम में अपना योगदान करते हुए मुझसे, मुझको दूर से देखते हुए भी प्रसन्न है, जो पास में आकर इस बार चरण स्पर्श करने का आपको मौका नहीं दूंगा और जिनको दूंगा वो लोग स्नान करना पड़ेगा जरूर। ये पहली बात रही, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि आप सब लोग जो भी आए हुए हैं यहाँ गुरु पादुकाएं रखी जाएगी, उसके ऊपर ही आप आज जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की गुरु पादुकाएं हैं उसके ऊपर फूल चढ़ाकर आप ये समझ लें कि आपके अपने गुरु चरणों में आपका सर रखा है और उसके बाद गुरु आरती संपन्न होगी। इससे पहले मैं चंद्रपुर के साधक जो यहाँ आए हैं 21 को शिविर करना चाहते हैं वो लोग यहाँ आए मेरे सामने आ जाएं, यहाँ सामने आकर खड़े हो जाएं। जो 21 तारीख को गुरु सायुज्य साधना शिविर करवा रहे हैं 21 अगस्त को है चंद्रपुर में, उन लोगों के यहाँ पाम्पलेट है, वो पाम्पलेट आपको दे देता हूँ। आप सभी लोगों को आह्वान है आप चंद्रपुर को इस साधना शिविर में भाग लें। గురుగారి సాధనలను తెలుగు రూపంలో ప్రింట్ చేసి శివానంద్ దీక్షిత్ గారు ప్రతి గురు పూర్ణిమకు ఒక్కొక్క పుస్తకాన్ని తెలుగు పుస్తకంలో అందజేస్తున్నారు. గురువు గారు లఘు సాధనలు అనే ఒక పుస్తకాన్ని తెలుగులో ప్రింట్ చేసినారు. ఆ పుస్తకం మీ ముందర విమోచనానికి ఉంది. ఈ పుస్తకాన్ని మీరు స్టాల్లో తీసుకోవచ్చు. మీ అందరికీ తెలుగు వారికి ఇది లఘు సాధనలు అన్న పుస్తకాన్ని మేము గురుగారి వైపు నుంచి హిందీలో నుండి తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగులో ప్రింట్ చేసినారు. వారు ఈ విధంగానే మౌన గురు కార్యం చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ తెలుగులో అందించడానికి ప్రయత్నం చేసే ప్రక్రియలో ఇది ఆయన గారి 4వ పుస్తకం అనుకుంటాను. తర్వాత ఈ విధంగానే ఆయన ఇంకా పుస్తకాలు కూడా ప్రింట్ చేయాలని పరమ పూజ్య సద్గురుదేవులు ఆశీర్వాదం ఆయనకు ఇవ్వాలని కోరుతూ ఆయన చేసిన ఈ కార్యానికి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తున్నాను. అభి ఇస్కే బాద్ విశేష్ బాద్ మే యే బతలాతా హూ కి ఇస్కే బాద్ మేనే జైసా కహా హై కి 1 నవంబర్ కో యహాన్ काली की मूर्ति की स्थापना होगी। उससे पहले हमारे एक यहाँ बहुत ही पुराने साधक हैं जिनके बारे में मैं कितना भी कहूँ तो कम है। उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा है, चाहे वो विमान से हो या नीचे से हो। विशाखापट्टनम के सोमेश्वर राव जी सामने आए कि हम कामाख्या में जाकर विशेष साधना काली की संपन्न करें। मैं उन्हीं की प्रेरणा से कहता हूँ कि अगले 2 महीनों में असम कामाख्या में काली की उस विशेष साधना को, जो मुंडमाला प्रयोग आज दिया गया है वैसे ही गुह्य काली की साधना वहां करने का निश्चय किया है। प्रेरणा के वे स्रोत है, बाकी का सब मैं देख लूंगा, इसलिए मैंने उनको बुलाया है। वे भी साधक है और एक विशेष साधना करने के लिए हम विशाखापट्टनम जा रहे हैं। ऐसी साधना के लिए उन्हें धन्यवाद अर्पण करें। माता जी की जय, साधक की जय। हम आगे उन्हीं की प्रेरणा से कामाख्या जाएंगे, ये बात पहली हो बात हो गई। बाद में मैं सुरेंद्र जी को यहाँ आने के लिए कहता हूँ जो नागपुर के हैं। इन दो जो दोनों को आप देख रहे हैं इन्होंने ही गया में शिविर करवाया था और बहुत कष्टों से सहकर
उन्होंने यह शिविर संपन्न किया। मैं उसके आपके सभी के सामने उनकी प्रशंसा करता हूँ। वे अपने आप को कभी भी ये कहते हैं कि गुरुजी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, हम पैसों से कुछ नहीं कर सकते, हम श्रम से करते हैं। और उनके बतलाए हुए बहुत सारे ऐसे शिष्य जिन्हें अगर हम कहें कि वे अक्षर से अक्षर ज्ञान उन्हें नहीं है, लेकिन मन से वे पूर्ण तरीके से गुरु के प्रति समर्पित है। और उन्होंने आज इस आश्रम को इतना सुंदर बनाया, जो उनके बच्चे आज उनके शिष्य के रूप में आकर यहाँ कार्य करे हैं, उन सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि और अन्ना जी और सुरेंद्र ऐसा ही कार्य करें। इससे पहले एक बात और बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम छिन्नमस्ता साधना, जहाँ गुरु जी के बहुत सारे शिष्य है, राजरप्पा में बिहार बोकारो से 20 किलोमीटर पर बहुत जंगल में दामोदर नदी के किनारे और भैरव नदी के किनारे यह छिन्नमस्ता मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर जहाँ गुरुजी बहुत दिनों तक साधना करते रहे थे। और मैंने एक निश्चय किया है कि इस बार होली की साधना होगी तो उस छिन्नमस्ता के पास और विशेष साधना होगी जहाँ गुरुजी ने किया है। मैंने छिन्नमस्ता को देखा है और इस कार्य के लिए मैंने सुरेंद्र और अन्ना जी को चुना है। वे वहाँ केवल खड़े रहेंगे, बाकी का काम सब हम संभालेंगे। एक बार जोर से तालियां। परम पूज गुरुदेव की। वे ऐसे ही कार्य करें और कभी अपने आप को धन से मन से या किसी से भी गरीब ना समझे। गुरु कृपा उनके ऊपर जरूर होगी, वो कार्य से हटे नहीं। मैं आशीर्वाद देता हूँ और गुरु से भी कहता हूँ कि ये जरूर आप कार्य करते रहें, आपको कभी कमी नहीं पड़ेगी और आप स्वयं देखेंगे कि एक दिन आप जो चाहते हैं वैसे उससे भी बड़ा शिविर करेंगे। आशीर्वाद है। आप अपनी जगह जाकर बैठ सकते। और हमारे आश्रमवासी जो मेरे हृदय के प्राण हैं, जो मेरे एक एक अंग है, इन समस्याओं का समाधान आप कागज पर ही शिवा भैया के पास ले लेना। और इसके बाद जब कभी भी कहीं शिविर होगा तो आपको मैं फिर पर्सनल मिलने का चांस देता हूँ। अभी मिलना ठीक नहीं है, फिर भी मैंने एक बार आपको चांस दिया है। जो भी पुनः स्नान करना चाहते हैं वे चरणों में नमस्कार करके जा सकते हैं, केवल उन लोगों को जो स्नान करना चाहते हैं, और नहीं है तो वो लोग अपने अपने गुरुपादुकाओं को नमस्कार करते हुए आगे चले। फिर भी उनकी अगर कोई दीर्घ समस्या हो तो आप शिवा भैया को समझा कर कागज पर लिखवा के दे दें, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं भी कुछ कारणोंवश जैसा आप सभी से इतना जुड़ा हुआ दो दिन से, वैसे ही मेरे माता पिता भी है जिनको भी मैं पूर्ण तरीके से गौरवान्वित करना है, उनको उनकी भी गरिमा रखना है। तो उन्होंने भी दो तीन बार में कम से कम 100 फोन आए हैं मेरे माँ बाप से कि तू भी क्या आदमी है, बोले वहां बैठा हुआ है या तेरी चाची गई हुई है, यहाँ देखने वाले कोई नहीं है, तू कैसा चलता है, तुझे कोई छुआछूत कुछ नहीं है क्या, तेरे शिष्य मानते नहीं है क्या, ये सब बातें उन्होंने अभी कितनी भी लंबी चौड़ी फेरिस्त कहूं तो आप सुनते ही रहेंगे। रखने के लिए भी मुझे आज रात में वहां जाना ही होगा, कल तीसरा दिन ऐसा कर रहे हैं और मुझे जाना है। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि इस कमी को मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं आपसे मैं मिल न सका और ना आपसे मैं मिल सके, लेकिन अगर हृदय है हमारे पास दोनों के पास तो हम मिल लिए हैं, ऐसा ही समझता हूँ। मैं उन सारी चीजों को छोड़कर आपके सामने बैठा हुआ हूँ, यह श्रेष्ठता है। कभी मुझे याद आता है हमारी माँ को कहने के बाद छोटी सी स्टोरी सुना दिया, माँ फिर भी गुस्से को आई, लेकिन मैंने वो स्टोरी आपको भी सुना देता हूँ। लाहड़ी वहां से बैठे हुए थे एक दिन और उनकी बच्ची बहुत बीमार थी तो पत्नी आई, सारे शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और पत्नी बोली तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम कभी भी शिष्यों के साथ लगे रहते हो, कुछ बच्ची की तरफ भी देखो। तो बोले दवाखाने किसी डॉक्टर के पास ले जा। सारे डॉक्टर हो गए तुम्हारी, वो भी पता नहीं कि मैं डॉक्टर के पास ले गई हूँ बच्ची को, फिर भी आपको पता नहीं, आप बोले कुछ करें। तो लोग दो मिनट आंखें मूंदी और उन्होंने कहा अरे घर में काली मिर्ची होगी ना, काली मिर्ची और सूंठ खिला दे। बोले उतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाकर इंजेक्शन दिला के लाए, तुम्हारे काली मिर्ची और सूंठ से कुछ होने वाला है, तुम तो बेकार आदमी है, ऐसा लाड़ी महाशय को पत्नी ने कह दिया। पत्नी की दुत्कार अपने गुरु अपने शिष्यों के सामने सुनते रहे और हुआ ये कि दूसरे दिन उनकी बच्ची खत्म हो गई, मर गई। और सभी लोग देखते रह गए कि इनके इसी कारण कि इन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा और बच्ची का देहांत हो गया, और पत्नी ने भी बहुत गुस्सा किया। तो सारे शिष्य आए हुए थे, शिष्यों को भी अपने गुरु पर गुस्सा आ गया, बोले गुरुजी इतना भी क्या प्यार आपका, हमारे को एक दिन नहीं आने भी देते, ना बोलते तो हम चले जाते थे, आप बच्ची को ले जाकर बताने नहीं, आपके पास इतनी सारी सिद्धियां उपयोग करते तो बच्ची बच जाती थी, आपको कुछ नहीं लगता। तो लाहड़ी महाशय देखे और बोले कि बच्ची मरने की एक प्रक्रिया है, बोले वो आई और इस संसार में उसका जितना दिन था भोगना था भोग के चले गई, उसके साथ आपको दुख नहीं होता, आपके आंखों से पानी भी नहीं आया,
उसमें मैं पत्नी भी आई और बोली बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सब लोग शिष्य, इस बात को समझना चाहिए और इस गुरु के पास नहीं आना चाहिए। तो पत्नी के कहने पर शिष्यों ने देखा नहीं आना तो होगा नहीं हमारे से, लेकिन ये बात जरूर है कि उनको ये बात पूछेंगे कि ऐसा कैसा हुआ, तुम्हें कुछ दुख नहीं होता क्या, देखो माता जी कितना रो रही है, कितनी देर हो गई बच्ची के जाने से। तो लाहड़ी महाशय ने एक उदाहरण दिया, बोले एक आप गोलियां खेलते हैं, गोलियां खेलने वाली गोलियां होती है, वो गोलियों का उदाहरण देते हुए कहा एक गोली को तुम अगर कीचड़ में मार दो तो धंस जाती है, उसके अंदर चले जाती है, कीचड़ में जाके फंस जाती है, और उसी गोली को एक अच्छे पत्थर पे मारो तो वो तो चोट करती है और टक के साथ उड़ के चले जाती है। मेरा भी दुख, मेरे बच्चे का दुख भी वैसा है, आया मेरे हृदय को मारा, ये पत्थर वाला दिल है, इसको लगा और गोटी उड़ के चले गए, मैं उसके बारे में विषय में फिर शिष्यों में आ गया। तुम्हारा हृदय, तुम्हारा माता जी का हृदय कीचड़ है और उसमें जाके वो बच्चे का मरना फंस गया, उसके तुम रो रही हो, मैं इसमें धोने वाला, ये तो रोज का कार्यक्रम होने वाला है, मेरे शिष्य मेरे बच्चे हैं, कितने लोग आते हैं कितने लोग चले जाते हैं, मैंने भी मेरे माँ को ये स्टोरी सुनाई लेकिन गालियां भी खाया, ये बात अलग है। तो आप सभी को आज इस गुरु पूर्णिमा के दिन आशीर्वाद देता हुआ, अभी थोड़ी देर में यहाँ रुद्राक्ष रखे जाएंगे, न्याय के साथ आप रुद्राक्ष ले लें, फैमिली को एक की तरफ से, यहाँ आशीष दीक्षित और हमारे आपका नाम क्या है रमन को यहाँ खड़े करता हूँ अग्रवाल जी के साथ, न्याय के साथ सभी को रुद्राक्ष बांट देना। अब झगड़ा गालियां हुए तो यही लोग खाएंगे, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, रुद्राक्ष यहाँ रखे हुए, कैलाश से आए हुए, फैमिली को एक की तरह से ले लेना, जो रुद्राक्ष ले लेगा वो अपने मन में संकल्प कर लेना कि हम काली स्थापना के दिन आएंगे और हमारे से जो भी होगा हम काली सेवा, काली माता की उस स्थापना में सेवा करेंगे, ये संकल्प कर लेते हो और उस रुद्राक्ष को लेकर आप जाएंगे। इससे पहले मैं मोहन सेठ को कहता हूँ कि गुरु पादुकाओं को यहाँ आकर लाकर रखें और गुरु आरती संपन्न हो, उसके बाद मैं यहाँ से बोधन जाने की प्रक्रिया करता हूँ। फिर भी आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप जब दूसरी बार मिलेंगे जरूर चरण स्पर्श होगा। అందరికీ అందరికి ఒకసారి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ మీరందరూ వచ్చినందుకు, మీ కోరికలు నెరవేరాలని కోరుతూ కైలాస మానసరోవర నుండి మనోకామన పూర్తి అగుటకు ఒక సాధువు ద్వారా, సిద్ధాశ్రమ సాధువు ద్వారా ఏ రుద్రాక్షలు తీసుకున్నానో ఆ రుద్రాక్షలు మీ ముందు పెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ రుద్రాక్షలు మీరు ఫ్యామిలీకి ఒక్కరు చెప్పిన ఒక్కొక్క రుద్రాక్ష మాత్రమే తీసుకోండి, న్యాయంగా, అన్యాయంగా తీసుకోకండి, దాని మళ్ళీ ప్రభావం పోతుంది, కాబట్టి ఫ్యామిలీ కూడా తీసుకోండి, ఎక్కువ ఉంటే నేను మళ్ళీ మీకు ఇస్తాను, కానీ ఆ రుద్రాక్షలు తీసుకునేలా తెల్లదారంలో ఆ రుద్రాక్ష ధరిస్తే గురూజీ చెప్పిన ప్రకారం సాక్షాత్ శివుడినే ధరించండి, ఎందుకంటే చెట్టు నుండి ఒక సిద్ధుడి ద్వారా ఆ రుద్రాక్షలు మేము పొందినాము కైలాస మానసరోవర దగ్గర, శిష్యులకు ఇవ్వడానికి గురూజీ పంపించినారని ఆయన చెప్పడం జరిగింది, కాబట్టి ఆ రుద్రాక్షలను మీకు ప్రసాద రూపంలో కైలాస మానసరోవర నుంచి వచ్చినవి మీ ముందు పెడుతున్నాను, మీరందరూ ఫ్యామిలీకి ఒక్కొక్క చొప్పున మాత్రం ఒక్కొక్కటి మాత్రమే తీసుకోండి, ఆ తర్వాత గురు పాదగ్రికలు పెట్టబడతాయి, గురు ఆర్తి జరుగుతుంది, ఆ గురు ఆర్తి జరిగిన తర్వాత మీరందరూ ప్రసాదాన్ని తీసుకుని మేము ఇంట్లోకి వెళ్ళగలరు, ఎందుకంటే నాకు కూడా కార్యక్రమం ఉన్నందువల్ల నేను బోధన వెళ్తున్నాను. ఆప్ సభీకో మై ఫిర్ భీ ఖేదయుక్త్ ఆజ్ గురు పూర్ణిమ ఆనందిత్ దిన్ హై లేకిన్ ఆప్కే సాథ్ నా మిల్నే కే కారణ్ ఉస్ ఖేదయుక్త్ సే మై కహతా హూం కి మై బోధన్ జానే కి బోధన్ జానా జరూరీ హై ఔర్ మై ఆజ్ వహాన్ జౌంగా. ఆప్ సభీకో ఫిర్ భీ ఆశీర్వాద్ దేతా హువా ఆప్కి సారీ సమస్యాఓ కో సునాఊ, జిన్హోనే జిన్కి సమస్యాయే మైనే సునీ నహీ హై వో కాగజ్ ఆప్ శివా భయ్యా కే పాస్ దే దే, మై ఉస్కా జవాబ్ వహీ లిఖ్ కర్ దే దూంగా, ఆప్ వో యంత్ర లే లే ఔర్ ఆగే కా కార్యక్రమ్ ఆర్తి కే బాద్ हम सब, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको जैसा समय हो वहाँ आप उस समय के अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें, मैं फिर दूसरे शिविर में आपको जरूर मिलूंगा, और अपना 1 नवंबर का शिविर तो आप याद रखें, इससे पहले भी अगर कामाख्या जाने का हुआ, साधना शिविर का वहाँ रखने का हुआ तो मैं आपको सभी को पत्रों के द्वारा मालूम करवा दूंगा। यहाँ जितने भी साधक है, जिन्होंने भी बहुत कार्य किया है, जैसे अब मैं नाम लूँ तो कम लगेगा, नागनाथ जी हैं जो अष्टा के रहने वाले हैं, फुले हैं, वागसर हैं, सोलापुर के हैं, इन सारे लोगों ने गत वर्ष मेरा जन्मदिन सोलापुर में मनाया था, और उनके सारे साथी और यहाँ के जितने भी साधक हैं, गुंडूर के राजमौली जी हो या निजामबाद के रघुचरण जी हो या चेतना जी हो, ये सारे लोग यहाँ हैदराबाद के मेरे साधक हों, बहुत सारे लोग मेरे को हर क्षण में जब भी बुलाऊँ मेरे साथ आते हैं, नागपुर के साधक भी जब भी बुलाऊँ मेरे साथ आते हैं, भंडारा के साधक भी मेरे साथ आते हैं, इस तरह मैं नाम उड़ीसा के साधक हैदराबाद नलगोंडा यहाँ जितने भी हैं आप सब उसी रूप में बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को फिर भी मन से आशीर्वाद देता हूँ। संभाजी है, अग्रवाल जी है, जब भी मैं बुलाता हूँ आते हैं और मेरा कार्य करके जाते हैं, ये गुरु कार्य है, ये उनका भी कर्तव्य है, मेरा भी कर्तव्य है। धर्माबाद के लोग भी हैं, आप
वो भी मैं जब भी बुलाता हूँ सब लोग आते हैं, गादेवार जी हैं, हमारे मित्र हैं, अशोक जी हैं, सभी सारे लोग जब भी बुलाता हूँ आते हैं। इन सभी को मन मन से धन्यवाद अर्पण करता हूँ। आप विशेष रूप से आशीर्वाद देने लायक, आपके सामने नाम लेना बार बार ठीक नहीं रहता, उदय महाराज जी जो तो आपके सामने बैठे हुए हैं, और जगत्याल के शेषु जी भी हैं, उनके साथ साथ उनके साथी नागराज और भी विशु हैं, और सारे लोग मैं जब भी बुलाता हूँ जिस कार्य को भी मेरे पूर्ण अथॉरिटी के साथ उनको बोलता हूँ जैसे वो मेरे घर के सदस्य हो, और उनको कभी भी आज्ञा देकर काम करवा लेता हूँ, मैं उनका काम कुछ नहीं करता, ये भी आप जान लें। और उसके बाद रही, मैं जहाँ भी जाता हूँ सारे लोगों ने मुझे पूर्ण आदर के साथ मुझे बुलाया है और आदर के साथ मेरा कार्य किया है और गुरु कार्य कर रहे हैं। मैं प्रभु सदगुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें आशीर्वाद दें। यहाँ हैदराबाद में रवि भैया का नाम मैं अगर लेते नहीं रहूँ क्योंकि वो भैया ही है और मेरे को जब से भी साथ देते हुए आ रहे हैं आज तक भी साथ देते आ रहे हैं। इसी तरह अब मेरे साथ रहने वालों का शिव भैया का नाम लेना जरूरी नहीं है क्योंकि आपको मालूम है पहले अगर दुर्वासा को कहीं देख सकते हैं तो नंबर दो दुर्वासा वो ही नजर आते हैं आप। तो ऐसे आदमी के बारे में अगर मैं कुछ भी कहूं भी तो आपको अच्छा नहीं, मैं तारीफ करूं तो आपको गुस्सा आएगा और तारीफ ना करूं तो उसको गुस्सा आएगा, इस दोनों में मैं फंसा हुआ हूं। इसलिए क्या करता हूं कि आपको छोड़ देता हूं, शिवा क्या है आप जान लें। अभी इसके बाद जगदीशु भैया ने बतलाई थी, आप सभी के सामने एक बात बतलाता हूँ। रविचंद्र नाम के एक साधक है, आपके सामने खड़े हैं या नहीं है मैं देखता नहीं, हाँ पीछे खड़े हैं, ओ देखो वो खड़े हुए हैं, आपको दिखने के लिए बड़े मासूम दिखते हैं लेकिन हुआ ये कि जगत्याल से आप पहली बार देख रहे हैं हैदराबाद आने की प्रक्रिया चालू हो गई। तो शेजू भैया क्या करते हैं अपने कार में, आप नरेंद्र एडवोकेट अपने कार में आप सब लोग आते हैं, इन्होंने कहा, इन्होंने प्रपोजल रखा उनके सामने, आप सब लोग एक 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 करके जाते हैं तो हम सब लोग बस में आते हैं, आप आगे पीछे आप जो भी बोलते हैं सुने नहीं आता, ऐसा करेंगे इस बार बस करेंगे। और रविचंद्र के प्रयास से आप जो पहली बार बस देख रहे हैं जगत्याल के यहाँ, जो सतीश के साथ रमेश जी के साथ यहाँ रमेश जी की वो गाड़ी है उनके पास गए और पूरे अथॉरिटी के साथ बोले आप कार बस देते हैं या नहीं देते हैं, इस प्रकार बोलकर, क्योंकि बहुत सिद्ध साधक है इसलिए किसी के ऊपर भी अथॉरिटी चलाते हैं। और ऐसे ही रविचंद्र को ऐसा ही कार्य करें ऐसा ही मैं कहते हुए आगे का कार्यक्रम संभालता हूँ, कहता हुआ ऐसा कार्य अभी एक बस लाए हैं रविचंद्र जी, अगली बार दो बस लाए, ऐसा कहते हुए आशीर्वाद देते हुए जगत्याल के साधकों को, मधुसूदन जो यहाँ बैठे हुए हैं वो भी मैं मेरे बुलाने पर आते हैं, सभी साधकों को सह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराज वै श्रवणाय
महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं समन्तवर्याधीशात् सार्वभौमः सार्वायुषः सन्गृहे आवीक्षितस्य नाम प्रिये विश्वे देवा सभासदैति अदैनं विष्णवे बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याकविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों हो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हो मेरा निश्चय है बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में सब प्यार तुम्हारे तुम्हारे हाथों में जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे जो जल में कमल का फूल रहे ओ मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में भगवान तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे आप सभी साधक आप सभी साधक यहाँ गुरु पादुकाएं रखे हुए हैं उसको नमस्कार करते हुए एक एक रुद्राक्ष फैमिली को एक की तरफ से लेकर प्रसाद के रूप में ले जाएं और इसी तरह इस बार गुरु पूर्णिमा को आपको 15 दिन पहले ना मिले या ना मिले इस तरह का इनविटेशन भेजा गया था अगली बार गुरु जन्मदिवस और गुरु पूर्णिमा के ऊपर मैं इनविटेशन भेजने का कार्यक्रम नहीं करता इनविटेशन आप भेजना चाहिए कि हैदराबाद में गुरु पूर्णिमा है आप आए ये कार्य अब मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको चलना सिखा दिया है अब दौड़ के आ रहा आपका कार्य है अगली गुरु पूर्णिमा हो या गुरु जन्मदिवस हो जहाँ कहीं भी हो आप करेंगे और आप आएंगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ कि क्या मैं देखता हूँ कि गुरु जी के इस वचनों को गुरु जी के इस कार्य को
चलाने के लिए कितने लोग अपने मन और दिल से भाग के आते हैं। मैंने आज देख लिया है कि गत वर्ष मैंने बताया था कि मैं इनविटेशन नहीं भेजूंगा, फिर भी दत्तू भैया के कैलाश मानसरोवर यात्रा को जाने की आने के बाद गुरुजी कहाँ है इसका पता नहीं चला, इसलिए उन्होंने कहा कि इन्विटेशन कार्ड भेजना बहुत जरूरी है। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। आप सभी लोगों को गुरु कार्य में, गुरु जन्मदिवस और गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु के पास पहुंचाई है, यही शिष्य का कर्तव्य होता है। और मैं देखता हूं कि अगली बार इससे भी दुगने इच्छा के साथ हम सब लोग यहाँ आकर गुरु पूर्णिमा मनाएंगे। हर कार्य में आपको निमंत्रण में तो दूसरे कार्य में भेजूंगा, लेकिन इन दो कार्यों के लिए जो गुरु जन्म दिवस और गुरु पूर्णिमा, इनके लिए इसके बाद आप मेरे से एक्सपेक्ट कुछ भी मत करें। आप इनविटेशन भेजे यहाँ है और आप आए। ऐसा आशीर्वाद देता हूँ कि आपके गुरु कार्य में उत्साह हो, आशीर्वाद हो और आपकी सभी का मनोकामनाएं पूर्ण हो। ऐसा आशीर्वाद देता हुआ यह कार्यक्रम यहीं समापन करता हूँ। आगे का कार्यक्रम